संचालन सार्वजनिक आय और अध्ययन तो जो करे वो निजी करे, तो दोनों रूपों में इसको देखा जा सकता है। तो ये तीन फैक्टर आपके स्वामित्व के आधार पर है, सार्वजनिक क्षेत्र का, सरकार का, निजी क्षेत्र का, निजी निवेशकों का, और इसमें सरकार और निजी दोनों का मिला जुला, ठीक है ना। समझ में आया, सार्वजनिक क्षेत्र का मतलब इसको पूरा सरकार का अधिकार, संचालन में और उत्पादन में सारा पूरा अधिकार किसका, सरकार का। निजी में एक व्यक्ति का, एक संस्था का, एक कंपनी का अधिकार, जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरा सूत्र में है, सरकार और निजी संचालक दोनों उस उद्योग को क्या करते हैं, संचालित करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देशों में यही स्थिति देखने को मिलती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में यही स्थिति देखने को मिलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था के तहत ये चीज देखने को मिलती है। इस प्रकार से हमारे उद्योगों का जो वर्गीकरण था, विभिन्न उद्योग के बारे में जानकारी प्राप्त करनी थी, वो हमारी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट सेशन जो है पर्यावरणीय मुद्दों के ऊपर, तो उसका जो अध्ययन करेंगे वो नेक्स्ट अपना जो वीडियो होगा उस वीडियो में करेंगे। उसमें है पर्यावरण से संबंधित समस्याएं वगैरह है, तो उनके बारे में जो बाढ़ सूखा है, आपातकालीन स्थितियां रहती है, उनके बारे में जिक्र करेंगे, वो हमारा अंतिम बिंदु होगा, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, लिखें और इसका होमवर्क करके क्या रखें, जैसे स्कूलें खुलेंगी आपका होमवर्क चेक होगा, और इससे संबंधित जो भी चीजें आपके समझ में नहीं आई हो आप ग्रुप में उस चीज को पूछ सकते हैं, दोबारा उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। बात ये इतना ही, थैंक यू।